हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं भागवतमय कथा सुनने। देखिए, हमारी पड़ोसी सहेली सब मिलके जा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं पैदल यात्रा और दोनों स्कूटी में जाते थे, आज जा रहे हैं। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहाँ ब्रह्मणे गुणपाद दान संकल्प ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण रुद्रमाय तदपि। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, जिसे आप लोग देख सकते हैं और आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी के। यहाँ विराजमान है हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान गणेश जी। देखिए, यहाँ पे बगल में है हनुमान जी का मंदिर, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम लोग सभी मिलकर कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप, सारे भक्त मिलके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमाऊनी परिधान में हमारी महिलाएं कुमाऊनी पिछौड़ा पहने हुए हैं। यहाँ हम लोग हर मंगल कार्य में कुमाऊनी पिछौड़ा ज़रूर पहनते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे लगा रहे हैं पंडित जी सारे भक्तों को होम यज्ञ का तिलक, जिससे सारे भक्तों का रोग प्यार सब दूर हो जाए, हर संकट मिट जाए। ये तिलक सबको लगता है होम यज्ञ का। यहाँ पे पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है भक्तों से, एक भी इंच जगह नहीं बची है, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ा हम टाइम से चले गए, इसलिए हमको जगह मिल गई है। और मंदिर पूरा कितना अच्छा सजा है। और दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी आप सुनाएंगे राम कथा। थोड़ी सी राम कथा आप भी सुन लीजिए हमारे साथ और ब्लॉग पे बने रहिए, सुनते रहिए राम कथा। किस प्रकार से मर्यादा को स्थापित किया और किस प्रकार से आज हम मनुष्यों के रहने योग्य इस धरा को बनाया। भक्तों, यदि भगवान नहीं होते तो आज हम लोगों का भी अस्तित्व होना बड़ा मुश्किल होता। यह धरती हमेशा राक्षसों से, अनेक प्रकार के उपद्रवियों से ग्रस्त रही है, अनेक प्रकार की परेशानियों से हम मनुष्यों के भगवान ने ही समय समय पर अनेक अवतारों को लेकर के बचाया। उसी कारण आज का हम मनुष्य जीवित हैं और सुरक्षित हैं और इतने बुद्धि। चतुर नाम बपुए इनके
पद वंदन किए नाशत विघ्न अनी सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयो तोरे द्वार सुन वृषभानु की लाडली भगवान की हनुमान जी महाराज तो सुखदेव जी ने कहा था कि भगवान समदर्शी हैं। इंसान में और भगवान में अंतर यही है, इंसान का दर्शन जो दृश्य है वो विषम भावी है, जैसी परिस्थिति वैसा मन। बोले जय जय सीताराम। और ये बहुत बड़ी बात किसी ने लिखी, देखो जाड़ों में जिस धूप का इंतजार रहता है वही धूप कर बन के टूट गए।